अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। चेहरे पर मौजूद गैर जरूरी बाल हुसन के दुश्मन होते हैं। इनकी मौजूदगी में रंगत भी डल लगती है। वैक्स और थ्रेडिंग करने के बावजूद थोड़े ही दिनों बाद गैर जरूरी बाल दोबारा निकल आते हैं, लेकिन अब परेशान ना हो क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त होम रेमेडी के बारे में बताऊंगी जिसकी बदौलत आपका चेहरा, हाथ और पांव गैर जरूरी बालों से पाक साफ हो जाएंगे। बस वैक्स करने के बाद इस चीज को अपनी स्किन पर अप्लाई करें, गैर जरूरी बाल दोबारा नहीं आएंगे और आपकी स्किन भी सॉफ्ट, स्मूथ और खूबसूरत हो जाएगी। साथ ही सुर्ख कलर के रैशेस भी नहीं पड़ेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस अमेजिंग हेयर रिमूविंग होम रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। और इस बेस्ट हेयर रिमूविंग होम रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है वो मैं अब आपको बताती हूँ। उनमें शामिल है, आपने लेनी है वीट वैक्स स्ट्रिप्स, आपने लेनी है कॉफी, आपने लेना है कॉर्न फ्लोर और आपने लेनी है हल्दी। अगर आपको हाथों पैरों या चेहरे के गैर जरूरी बाल खत्म करना मकसूद हो तो सबसे पहले वैक्स स्ट्रिप्स के जरिए फालतू बाल खत्म करें। ये देखें, ये वीट वैक्स स्ट्रिप्स मैंने ली है। ये इस तरह की होती है। आप इसका रैपर उतारें इस तरह से और जहां के गैर जरूरी बाल खत्म करने हों वहां पर ये अच्छी तरह चिपकाएं और बालों के मुखालिफ सिम्त में खींच कर उतार दें। इन स्ट्रिप्स का बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। ये गैर जरूरी बालों को जड़ से खत्म करेंगी। इन्हें मैंने भी यूज किया है। इस पूरे पैक की प्राइस 290 रुपए है। और अब मैं आफ्टर वैक्स हेयर रिमूविंग मास्क बनाऊंगी जिसकी बदौलत गैर जरूरी बाल दोबारा नहीं निकलेंगे, या फिर अगर निकले भी तो काफी टाइम बाद निकलेंगे और आपकी स्किन भी बहुत प्यारी हो जाएगी। ये मास्क लगाकर गैर जरूरी बालों से भी आपको हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। इस बेस्ट हेयर रिमूविंग मास्क को बनाने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले शीशे या प्लास्टिक की एक साफ प्याली ले लें और इसमें आप एक चम्मच कॉर्न फ्लोर डाल दें। मकई का आटा आपने लेना है। ये खालिस मकई का आटा मैंने लिया है। ये एक बेहतरीन हेयर रिमूविंग इंग्रेडिएंट है। इससे आपकी जिल्द भी निखरेगी और फालतू बाल भी दोबारा नहीं आएंगे। गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है। और अब आप इसमें आधा चम्मच कॉफी पाउडर का शामिल करें। याद रहे कि आपने साबुत कॉफी नहीं लेनी, कॉफी पाउडर यूज करना है। कॉफी का शुमार भी उन अज्जा में होता है जो गैर जरूरी बालों को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। कॉफी के इस्तेमाल से बाल दोबारा नहीं आएंगे। ये आजमाई हुई बात है। जब आप यूज करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अब आप इसमें दो चुटकी के बराबर हल्दी ऐड करें। हल्दी की गांठ लेकर उसको घर पर ग्राइंड कर लें। इसका पाउडर बन जाएगा। खालिस हल्दी आपने लेनी है। हल्दी के इस्तेमाल से जिल्द की शगुफ्तगी में इजाफा होता है। वैक्स करने के बाद जो रेडनेस हो जाती है, बाज़ औकात रैशेस भी पड़ जाते हैं। हल्दी इन तमाम प्रॉब्लम्स का बेहतरीन इलाज है। और अब आप इसमें इतना पानी शामिल करें कि ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। ये मैं दो चम्मच पानी इसमें डाल रही हूं। और अब चम्मच की मदद से ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें, मैंने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और हमारा ये अमेजिंग आफ्टर वैक्स हेयर रिमूविंग मास्क अब तैयार है। इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि वैक्स करने के तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद आप ब्रश की मदद से ये मिक्सचर जिस्म के जिस हिस्से पर आपने वैक्स की हो या चेहरे पर वैक्स की हो वहां पर अप्लाई करें और तकरीबन 15 मिनट बाद वो हिस्सा
सादा पानी से धो लें, लेकिन इसके बाद आपने कोई साबुन या फेस वॉश यूज नहीं करना एक घंटे तक। चेहरे, हाथों और पैरों के गैर जरूरी बालों से परेशान खवातीन और लड़कियां वैक्स करने के बाद इस होम रेमेडी को जरूर यूज करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।